सुप्रभात बच्चों, आरटीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा पांचवी का हम लोग 11 पार्ट पढ़ रहे थे। इसके पहले इस शीर्षक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कहानी को, इस नाटक को हम लोग जाने हैं, मौसम तेरे रंग निराले। यहाँ नाटक के माध्यम से मौसम और ऋतु के बारे में अच्छे से बताया गया कि कितने प्रकार के ऋतु होते हैं। 3, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो हम लोगों ने शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ लिया है कि शरद ऋतु में क्या क्या प्रभाव, क्या क्या रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। तो चलिए आज हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। आप लोग कठिन शब्द देख लीजिए। उपजाऊ का अर्थ होता है अच्छी उपज वाली, अच्छी उपजाऊ जमीन जो अच्छी उपज देती है। निर्भर का अर्थ होता है आश्रित, हम लोग किसी पर निर्भर होते हैं। ऋतु चक्र मतलब ऋतुओं का जो चक्र होता है, जो बदलता रहता है। दूजी का अर्थ होता है दूसरी। ये जो कुछ दो लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं लिखती हूँ यहाँ पे। हम लोगों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, बिना प्रकृति के हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए प्रकृति का हम लोगों को आदर करना है, क्योंकि जब प्रकृति अपना आपदा दिखाती है तो वो काफी भयानक होता है। इस नाटक में ऋतुओं के महत्व पर बल दिया गया है। पूरे नाटक में ऋतु के बारे में बताया गया। एक नाट्य प्रदर्शन किया गया है जहाँ पे बच्चे और एक औरत है जो ऋतु के बारे में बताती है, वर्षा ऋतु बंद कराती है, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। तो उससे हम लोग परिचित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। वर्षा ऋतु आई, मैं वर्षा ऋतु हूँ, गर्मी से परेशान होकर लोगों को मैं रहा देती हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? बहुत ज्यादा बरसात होती है। कभी कभी होता है ना कि धरती बहुत ही बंजर हो जाती है, पानी की आवश्यकता लोगों को बहुत होती है। जैसे खेत खलिहान में पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, और जैसे राजस्थान जैसे इलाका जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है तो वहाँ पे वर्षा की बहुत जरूरत है ना। तो हर मौसम का आनंद उठाना चाहिए, वर्षा के बिना भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। प्रकृति को पानी की जरूरत होती है। तो अमन कहता है लेकिन बरसात में हमें स्कूल जाने और खेलने में बड़ी परेशानी होती है। तो फिर वर्षा ऋतु कहती है अपनी जरा सी परेशानी मत देखो। वो कह रही है कि तुम्हारी तो थोड़ी परेशानी है ना बेटे, मैं ना आऊँ तो सूखा पड़ जाएगा। मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, मिट्टी उपजाऊ बनाती हूँ। ये धरती की प्यास बुझाती है, हमारी भी प्यास बुझाती है। अगर हम लोगों को खाना मिल जाता है, हम लोग पानी नहीं मिलता तो हम लोग क्या जी पाएंगे? हम लोग एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हर चीज का महत्व होता है बच्चों। मोहित कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, दादी जी भी कहते हैं, दादाजी भी कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए समय पे बरसात का होना बहुत जरूरी है। तो अमन कहता है बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। जैसे ही पहली बारिश होती है तो सब बच्चे कितने झूमने लगते हैं। सोनाली कहती है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। देखिए सबका एक अलग कथन होता है, सबका मौसम के बारे में अलग विचार है। जैसे कि अमन को बरसात नहीं पसंद है, स्कूल जाने में उसे दिक्कत होती है और खेल भी नहीं पाता, लेकिन सोनाली को बारिश तो बहुत ही पसंद आता है क्योंकि सब जगह हरियाली छा जाती है, हरे हरे घास दिखने लगते हैं क्योंकि उसको पानी मिल जाता है, वो उपजाऊ बन जाती है। तो वर्षा ऋतु कहती है खुश होकर मोर भी नाचने लगते हैं। तो बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि मोर किस प्रकार अपने सारे पंखों को फोड़ कर एकदम खुश होकर, जब वो खुश होती है तो अपने पंख को दिखाती है और बहुत अच्छे से नाचने लगती है, नृत्य करती है। तो सोनाली कहती है नाचते हुए मोर बहुत अच्छे लगते हैं, हमने खेतों में देखे हैं। तो मोहित कहता है कि हर मौसम अपनी अपनी बात कहता है, हम किसे माने। तो वर्षा ऋतु कहती है कि बच्चों हर ऋतु का अपना महत्व होता है, सब मौसम बराबर है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सब ऋतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यही ऋतु चक्र कहलाता है। अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ। हाँ जाते जाते तुम्हें एक बात बताते जाती हूँ कि मेरे आने पर तुम लोग साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना। जैसे कि आप लोग बच्चे देखते होंगे जब वर्षा बहुत होती है तो कीड़े मकौड़े ज्यादा लगने लगते हैं, मक्खी का प्रवेश बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को उस टाइम साफ सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। खाने की चीजों को खुला मत रखना, सड़े गले फल मत खाना वरना बीमार पड़ सकते हो, समझे बच्चे। यहाँ पे ऋतु हम वर्षा ऋतु हम लोगों को क्या समझा कर जा रही है कि हम लोगों को साफ सुथरा रहना है, सावधानी बरतनी है, खान पीने का विशेष ध्यान देना है और फल हम लोगों को सड़े गले बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो सब बच्चे एक स्वर में कहते हैं हाँ हम लोग समझ गए। वर्षा ऋतु कहती है अच्छा मैं चलती हूँ चाचा। तो सब बच्चे कहते हैं चाचा। वर्षा ऋतु के जाने के बाद बच्चे खुश होकर ताली बजाकर घूमते हुए
दिखाते हैं कि सब मौसम मतवाले भैया, एक 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 से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, दूजी कहने का अर्थ है दूसरी आती है, यह ऋतुओं का चक्र कहलाता है। टले न किसी के टाले भैया, सब मौसम मतवाले भैया। विमला रस्तोगी जी ने इस नाटक को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के माध्यम से, सोनाली, अमन, रिंकी के माध्यम से उन्होंने ऋतु चक्र को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया और एक नारी के माध्यम से सारी ऋतुओं का जो रूप धारण करके उन्होंने ऋतु की जो अच्छाई है और जो बुराई है सबके बारे में बताया है। कि आप लोग ये देखते होंगे कि कभी कभी पतझड़ आता है ना, पतझड़ में क्या होता है सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन जब अच्छा हेमंत और बसंत आता है तो सारे खिल भी उठते हैं। तो इसीलिए हर मौसम का हम लोगों को आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जो पत्ते नए आए हैं तो वो झड़ेंगे तभी ना पुराने नए पत्ते फिर से आएंगे। तो इसीलिए हर मौसम का एक अलग ही रूप होता है, हर मौसम को महत्व देना चाहिए, हर मौसम को हम लोगों को आनंद से बिताना है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, हम लोगों ने तीन ऋतु के बारे में पढ़ा है, यह हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रकार ये नाटक पूरा होता है। तो चलिए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम लोग कि बच्चे सिकुड़ कर क्यों बैठ गए, रिंकी को सर्दी क्यों अच्छी लगती है, बच्चे ने शॉल उतार कर क्यों फेंक दिया, ग्रीष्म ऋतु क्या पहन कर आई थी। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ जहाँ आप लोगों को कठिनाई लगे वो आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे, नहले पर दहला। यह पढ़ने से ही शीर्षक ही काफी रोचक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा कि इस कहानी में क्या क्या होने वाला है। लग रहा है कोई गांव का दृश्य है, नहले पर दहला एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ के रखिएगा, फिर नया पाठ हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, और इसके सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को